दोस्तों एक बार पिसुआ चना और आलू की चटपटी सब्जी इस तरीके से बना लेंगे तो इसके आप फैन हो जाएंगे, मटन चिकन खाना भूल जाएंगे, बहुत टेस्टी बनता है और जो भी खाएगा आपका तारीफ करेगा। रेसिपी पसंद आए तो मेरे प्रोफाइल को फॉलो करें, यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें डेली नया वीडियो देखने के लिए। तो ये चार मीडियम साइज़ का आलू है, दो टमाटर है, दो से तीन प्याज है और ये 100 ग्राम ये चना है जो कि रात में इसको मैं भिगो ली थी दोस्तों। और इसको चॉपर में हम चॉप दरदरा करना है, ज़्यादा वो नहीं करना है दोस्तों, तब जाके सब्जी खाने में मज़ा आएगा। इसको अच्छे से टूट जाना चाहिए, इसका टुकड़ा हो जाना चाहिए जो कि स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, सेम ऐसा ही दोस्तों। इससे ज़्यादा हमको बारीक नहीं करना है, तब जाके आपका सब्जी बहुत टेस्टी बनेगा। तो इसको हम साइड कर लेंगे। अब एक पैन में डालें हम दोस्तों थोड़ा सा मेथी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और ये एक लौंग है, दालचीनी है, तेज़पत्ता, ये सब दो दो एक एक टुकड़ा डालेंगे, बहुत मज़ेदार बनेगा। ये सूखी मिर्च है दोस्तों और इसमें डाल दिए थोड़ा सा जीरा, बहुत अच्छा फ्लेवर होगा। और लास्ट में डालेंगे हींग। दोस्तों मैं जो भी इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ एकदम परफेक्ट मैच करके बताती हूँ जो कि एकदम उसी पर सेट करता है। आप लोग बनाएंगे तो सेम वैसा ही बनेगा, इसका आप लोग विश्वास करें। और इसमें डाल देंगे प्याज कटा हुआ, थोड़ा सा प्याज जब सौते हो जाएंगे तब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे दोस्तों, ताकि इसका कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो इसको 2 से 3 मिनट हमको मीडियम फ्लेम पे भूनना पड़ेगा, जो कि प्रोसेस आप लोग देख रहे हैं आसानी से हो जाता है। अब इसके बाद हमको तेल वगैरह कुछ नहीं डालना। फिर दरदरा कूटा हुआ जो ये है चना हम डाल देंगे, इसको भी 1 से 1 मिनट मीडियम फ्लेम पे हम भूनेंगे दोस्तों। और फिर हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर दोस्तों, एक एक चीज़ आप लोग फॉलो करिएगा, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर, 1/2 चम्मच इसमें अमचूर पाउडर और कटा हुआ टमाटर जो कि है। फिर इसको हम डाल के इस पर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे जिसका मात्रा छोटा 1 चम्मच है। इसको अच्छे से चला के ढक देंगे, ढक के एकदम धीमी आँच पर दोस्तों 2 से 3 मिनट इसको पकाएँगे, ताकि अच्छा से ये पक के तेल छोड़ दे। कोई भी चीज़ अच्छे से बनाएंगे तो आपका बहुत अच्छा बनेगा, जल्दी जल्दी में नहीं। तो ये देखिए कितना बढ़िया तेल ऊपर हो गया है, यानी कि हमारा पक चुका है मसाला आधा से अधिक। तो इसमें हम डाल देंगे कच्चा आलू दोस्तों। अब इसको अच्छे से हम चला लेंगे, चला के इसको भी थोड़ा सा हम पका लेंगे। और इसमें हम डाल देंगे कस्तूरी मेथी और गरम मसाला दोस्तों। तो है ना लाजवाब टेस्टी वाली सब्जी ऐसे ही। इसको 3 मिनट पकाने के बाद दोस्तों इसमें कस्तूरी मेथी 1 चम्मच क्रश करके डाल दें, इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होता है दोस्तों। ऐसे ही ये सब्जी जिसके मुँह लग गई वो आपसे डेली कहेगा कि यही बनाइए, बहुत चटपटी और टेस्टी बनती है दोस्तों। ये चावल के साथ आदमी भरपेट खा लें। फिर इसको बाद इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला दोस्तों, जो कि इस गरम मसाला घर पे बनाती हूँ, खड़ा मसाला ख़रीद के मैं इसको हल्का रोस्ट करके घर पे पीसती हूँ दोस्तों, जो कि इसका वीडियो मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल दोनों पे डला हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब इस स्टेज पर डालेंगे 1 गिलास पानी, ग्रेवी आप जैसा करना चाहें, तो हमको लटपटा ग्रेवी बनाना है दोस्तों। तो 1 गिलास पानी डाले, इसको ढक देंगे, ढक के मीडियम फ्लेम पर इसको हम लेंगे 2 से 3 मिनट। तो ये सुपर टेस्टी हमारी सब्जी बनके पिसुआ चना आलू की तैयार हो जाएगी दोस्तों, जो कि खाने में चटपटी टेस्टी बहुत बनती है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना बढ़िया बनके आया है, खुशबू भी बहुत अच्छी है दोस्तों। तो मैं तो चली खाने, आप लोग भी फटाफट बनाइएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कैसा बना है। तो ये देखिए इसमें हम डाल दिए कटी धनिया, जो कि देखने में अच्छा लगेगा और खाने में भी इसका टेस्ट बढ़ जाता है, खुशबू अच्छी आती है। तब चलिए इसको हम सर्व कर लेंगे ऐसे ही। तो देखिए कितना बढ़िया बन के आया है, एकदम लटपटा सा है। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा डालना है तो 1 गिलास के जगह पर 1.5-2 गिलास आप पानी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, तो फिर हम नया नया वीडियो लेके आती रहती, इसके लिए प्लीज़ हमको फॉलो करें, यूट्यूब पे हमको सब्सक्राइब करें दोस्तों और भर भर के हमको प्यार देते। ये देखिए कितना बढ़िया बन के आया है। तो ये आप रोटी के साथ, पराठे के साथ भी खा सकते हैं और इसको आप यात्रा में भी अच्छे से ले जा सकते हैं, ट्रेन में बैठ के मज़े से खा सकते हैं। तो धन्यवाद।